है फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बना रहे हैं सिंपल वाला ब्रेड बीट पकौड़ा। तो शाम का टाइम है, थोड़ी सी हल्की फुल्की भूख लगी है, तो हम सिंपल वाला ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं। वो जो आलू की फिलिंग होती है वो वाला नहीं, सिंपल वाला है। तो यहाँ पर एक कटोरी बेसन लिया है मैंने, जो चने का आटा होता है वो लेंगे हम। तो यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून जितना नमक, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना, जितना पकौड़े के जैसा यूज़ करते हैं वैसा यूज़ करना। थोड़ा सा उसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, थोड़ी हल्दी, थोड़ा सा खाने वाला मीठा सोडा। ठीक है, स्मूथ बैटर बना ले, जैसे भजिए का बनाते हैं, आलू की भजी का बनाते हैं, पता है ना, तो वैसा ही बैटर बनाना है। ना ज़्यादा घट बनाना है, ना ज़्यादा पतला, एकदम स्मूथ बैटर बना ले, उसको अच्छे से मिक्स कर ले। हल्की फुल्की भूख के लिए अच्छा है शाम के टाइम पे, और जल्दी से बन भी जाता है, 10 मिनट में बन जाता है, मतलब ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। जैसा गोल भजिए का बैटर होता है ना, आलू की भजिया, वैसा वैसा बैटर बनाना। तो कभी 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 मतलब कुछ चीज़ खाने के लिए बेजार आ जाते हैं हम, तो ये बनाइए और पट से खाइए। तो यहाँ पर इसमें मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, तो आगे देखना ज़रूर। यहाँ पर हरी मिर्ची भी ऐड करना है मैंने, क्योंकि हरी मिर्ची ऐड करेंगे थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा तीखा तीखा लगता है। तो हरी मिर्ची और धनिया के पत्ते, धनिया के पत्ते थोड़े ज़्यादा ही ऐड किए हैं मैंने इसमें। तो इसमें ज़्यादा कोई गरम मसाला ये वो सब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, देख सकते हो कैसा बैटर बना है। ठीक है, गरम मसाला वगैरह कोई भी कुछ भी ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है शेज़वान चटनी, अगर आपके पास है तो ज़रूर से डालिएगा इसमें बैटर में। तो एक टेबलस्पून जितना लेना, जितना स्पून है ना बैटर में उतना लेना और मिक्स करना और देखना जैसे टेस्ट में 4 चांद लग जाएंगे, मतलब थोड़ा ठीक ठाक लगेगा, अच्छा लगेगा, ज़्यादा बेसन बेसन नहीं लगेगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर आप चाहे तो इसमें ज़ीरा भी ऐड कर सकते हो, चाहे तो अजवाइन भी। अजवाइन का टेस्ट मुझे नहीं अच्छा लगता था इतना ख़ास, तो यहाँ पर ज़ीरे को मैंने थोड़ा सा हाथ पे ऐसी मसल लिया है और इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। बस बैटर हमारा रेडी है अच्छे से। तो यहाँ पर लेंगे अब हम ब्रेड। ब्रेड को चाहे तो आप अखे भी डिप करके फ्राई कर सकते हो, पर थोड़ा कट कर देंगे ना तो खाने में आसानी होती है और फ्राई करने में भी आसानी होती है। तो यहाँ पर ब्रेड को ब्रेड को हम कट कर लेंगे तो दो दो इसमें कट कर ले, शायद आप चाहे तो ऐसे ही जैसे सैंडविच टाइप भी कट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको दो तरीके से फ्राई करके बताऊँगी, डीप फ्राई और एक बिना ऑयल के, जैसे मेरे मम्मी के लिए बिना ऑयल के ही फ्राई करना है मुझे। तो देख सकते हो ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है, तो इसको अब अच्छे से हम लोग डिप करेंगे, अच्छे से ही डिप कर तो ब्रेड को डिप करके अब फ्राई कर लेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको फ्राई होने के लिए, 2 से 4 मिनट में फ्राई हो जाते हैं। एक साइड दो मिनट लगेगा, दूसरी साइड में 2 मिनट लगेगा। तो ज़्यादा आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो उसको क्रिस्पी रख सकते हो, सॉफ्ट रख सकते हो। क्रिस्पीनेस लाने के लिए लास्ट 1 मिनट जो होगा उसके लिए फास्ट फ्लेम रखना। तो यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम रखा है, एक बार ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना, उसके बाद में गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर 1-2 मिनट के बाद में इसको पलट दे, 1-2 मिनट के बाद में पलटने के बाद में 2 से 3 बार पलटने के बाद में वो हो जाते हैं, थोड़ी ना कोई अच्छा कच्चा पच्चा रहता है अंदर, कुछ नहीं रहता है, ऐसे ही बन जाते हो अच्छे और बहुत अच्छे लगते हैं टेस्ट में। तो इसके साथ में आप पुदीने की चटनी भी खा सकते हो, या फिर घर में बनी हुई खट्टी मिट्टी चटनी भी खा सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो टमाटो सॉस के साथ में ही खा ले, टमाटो सॉस भी नहीं है तो चाय के साथ में खा ले, तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो ये तो मैंने डायरेक्ट डीप फ्राई किया है इसे, आप चाहे तो इसको शैडो फ्राई भी कर सकते हैं डायरेक्ट तवे पे, अगर आपको ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है, डाइट के हिसाब से लेना है। तो देख सकते हो ये शायद कैमरा कैप्चर नहीं कर पाए, पर दिखने में बहुत अच्छे लग रहे, जो जो सेजवान चटनी का जो है ना मिर्ची आ रही है, तो उस हिसाब से आप चाहे तो इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हो। मैंने सिंपल बताया, जो घर की चीज़ें में मतलब घर की पड़ी हुई रखी हुई चीज़ें रहती हैं उसमें ही बन जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा तेल लगाया है मैंने, थोड़ा सा ऑयल मतलब थोड़ा ग्रीस होने के लिए तवे को। तो यहाँ पर एक ब्रेड, अखाई ब्रेड लिया है मैंने डायरेक्ट ये फ्राई करने के लिए। यहाँ पर हमारा बैटर ख़त्म हो चुका था, तो इसको मैंने ऐसी
जो भी था, जो मिर्ची कोतमी थी बची थी वो लगा दिया। तो ये आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हो, टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा और हेल्दी भी होगा, ज़्यादा ऑयल नहीं है तो आप डेली भी बना के खा सकते हो। तो ये है, तो इसको थोड़ा सा ना लो फ्लेम पे इसको सेकना, कि मतलब वो बेसन जो होगा ना बेटर, वो जल ना जाए, ठीक है? फिर नहीं तो अंदर से थोड़ा कच्चा कच्चा लगेगा, क्योंकि थिक बेटर है ना हमारा थोड़ा। तो देख सकते हो कितना अच्छा कलर आ गया है, कम से कम मैंने इसको 3 मिनट तक रखा था और 2 मिनट तक उसको पलट के रख दिया। तो ये बन के तैयार है मम्मी के लिए, जो बिना ऑयल का है। तो बन के तैयार है, यहाँ पर हमारी चाय भी अभी साइड में रेडी होने वाली है, तो हम तो इसको चाय के साथ में ही खाएंगे। तो यहाँ पर बनके तैयार है, देख सकते हो हमारे ब्रेड पकोड़े, सिंपल वाले ब्रेड पकोड़े। तो जो ये क्या बोलते हैं, फिलिंग वाले ब्रेड पकोड़े होते हैं, उसकी भी रेसिपी मैंने डाल दिया है, तो आप देखना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैं, ठीक है? तो यहाँ पर चाय भी बन रही है साथ में और ब्रेड पकौड़े भी तैयार है, चाय भी तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हमारी चटनी बनी हुई बट फ्रीज में है, तो कौन निकालेगा उसको, ठंडी है वो। तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, थोड़ा सा लग रहा होगा ऊपर ऊपर, बट अंदर से कुछ भी ऑयल नहीं है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ एक अच्छी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।